हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोज़ाना। आधार कार्ड की एक बड़ी अपडेट आई है, अब आप अपने एड्रेस पर प्लास्टिक आधार कार्ड मंगा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, पैसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। आधार पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करने के लिए आपको आना होगा uidai.gov.in। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसका आपको 50 रुपये आप से कटेंगे और यहाँ पे GST इंक्लूड है। ये जो है पीवीसी कार्ड, ये आपके एड्रेस पे भी डिलीवरी कर दिया जाएगा और आप भारत के किसी भी कोने में हो तो वो कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवरी कर दिया जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड अप्रूव, इस पर क्लिक कर देना है। एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको पीवीसी कार्ड मिलेगा ये बहुत सिक्योर रहेगा। इसमें एक सिक्योर बारकोड मिलेगा, हेलोग्राम मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, इमेज मिलेगा और माइक्रो टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, जो कि दिखलाई नहीं देगा। अगर आप किसी शॉप पे आधार कार्ड पे पीवीसी कार्ड को प्रिंट करा लेते हैं तो वो वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप आधार कार्ड की वेबसाइट से पीवीसी कार्ड ऑर्डर करते हैं तो ये बिल्कुल वैलिड रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर्ड है। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार कार्ड नंबर, यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं और यहाँ eID नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड टाइप कर देना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपका नहीं आ रहा तो इसको क्लिक करके यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सेंड है तो यहाँ सेंड OTP भी क्लिक करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आप माई मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सेंड OTP भी क्लिक करेंगे तो आपके उसी मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा। यहाँ पे आप OTP डालेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप OTP डालेंगे, इसके बाद यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ सबमिट। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर भी शो होगा और आपके मोबाइल आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर भी शो नहीं होने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जो कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। तो आप तीनों में से किसी से भी आप यहाँ पर 50 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ हमें डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना पड़ेगा, यहाँ CVV नंबर डालना पड़ेगा, इसके बाद कार्ड ऑन नेम ऑन कार्ड कार्ड पर जो भी नाम है वो डालना पड़ेगा, इसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ गया है तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद सिंपली यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपका कार्ड के लिए प्रोसीड हो जाएगा। तो ये आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा। तो ऑर्डर प्लेस होते ही आपको यहाँ पे SRN नंबर मिल जाएगा, इस नंबर को आपको कॉपी करके या सेव को आपको सेव करके इस नंबर को आपको रख लेना है क्योंकि SR नंबर से ही आप अपने आधार कार्ड की स्टेटस चेक कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पे आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको स्टेटस चेक करना है तो हम पहले वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, हमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SRN नंबर का ऑप्शन आ गया है जो वहाँ से कॉपी किए थे, तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ आधार नंबर डाल देना है, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल के चेक स्टेटस पे आपको ओके कर देना है।
इसके बाद यहाँ टोटल डालने के बाद ये कैप्चा जैसा लिखा हुआ वैसे ही क्लिक करके यहाँ चेक स्टेटस पे आपको ओके कर देना है, तो आपके सामने ये स्टेटस आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि SRN स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और 15 डेज के अंदर अंदर आपके स्पीड पे आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट ये PVC कार्ड को डिलीवर कर दिया जाएगा, आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, उसी एड्रेस पे जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में दिया गया है तो उसी एड्रेस पे आपको PVC कार्ड बाय पोस्ट आपके उसी एड्रेस पे भेज दिया जाएगा जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है। और यहाँ से आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके नीचे कॉमेंट कर दीजिए।